मार्केट से आ गया, यही है वो भुजिया जिसे मैं लेने। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अपना नवरात्रि अच्छा से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कितना हरा भरा खेत है, चारों ओर धान लगा हुआ है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, देखिए गाइज ये सुबह का मॉर्निंग व्यू है। तो गाइज आज बहुत दिनों से कॉफ़ी की पीने का मन था, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत आज कॉफ़ी बना लेते हैं विथ नो शुगर। तो चलिए कॉफ़ी बनाते हैं। तो गाइज अब दूध डाल दिया, अब इसे थोड़ा देर खोलने देते हैं। अब ये बॉईल होने लगेगा तब इसमें अपना कॉफ़ी डाल देंगे। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं दूध ये लगभग खोल चुका है, ये बॉईल हो गया है पूरी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी डाल देते हैं। तो गाइज इसमें अब थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दिए, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट हमारा कॉफ़ी बन के यहाँ रेडी हो चुका है, बस इसे एक बार हल्का खोलने देते हैं फिर ये पूरी तरह से बन जाएगा। तो गाइस यहाँ कॉफ़ी बन के तैयार हो चुकी है, तो चलिए चेयर्स। तो गाइस अभी पापा के स्कूल गया था, पापा को स्कूल छोड़ने। तो अब स्कूल में पापा को छोड़ दिया हूँ, घर आ चुका हूँ। अब थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, रात की सब्जी थी और रोटी, तो चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो गाइज अभी जा रहा हूँ मार्केट, घर के बगल में ही मार्केट है, वहाँ से थोड़ा सा भुजिया लाना है। तो आता हूँ दुकान से, तो चलिए आपको भी दिखाऊंगा किस टाइप का भुजिया मैं लेने गया था। तो चलिए दुकान जाते हैं। तो गाइज मैं मार्केट से आ गया, यही है वो भुजिया जिसे मैं लेने गया था। ये जैसे आप लोग हल्दीराम का भुजिया पैकेट वाला खाते हैं, ये उसी तरह होता है, लेकिन ये यहाँ पर दुकान में रेडीमेड बनाता है, मतलब बेसन से। तो यही था वो मैं मुझे लाने के लिए मैं मार्केट गया था। तो गाइज यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया था, ये देखिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या मंगाया हूँ। तो गाइज ये पार्सल मुझे मेरी बड़ी दीदी ने भिजवाया है। तो ये रहा गाइज, मैंने एक द मैन कंपनी का ब्लैक परफ्यूम मंगाया है। तो देखते हैं अब इसका स्मेल वगैरह कैसा है। गाइज ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तगड़ा परफ्यूम इसका। अब देखते हैं इसका स्मेल के बारे। तो गाइज अब इसका परफ्यूम का स्मेल चेक करते हैं कैसा है। वाह गाइज, गाइज एकदम लाजवाब खुशबू है। अगर आप भी बजट फ्रेंडली कोई परफ्यूम, लग्जरी परफ्यूम मंगाना चाहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको द मैन का ब्लैक। लाजवाब स्मेल है गाइज यार, बहुत ही मतलब दिल छू लिया, या ग्रेट स्मेल गाइस। तो गाइस आज फाइनली दीदी भी घर आ चुकी है, तो आपको मैं दिखाता हूँ मेरे लिए क्या क्या लेके आई है। तो गाइस ये रहे कुछ टॉफीज, और ये है डार्क फैंटेसी बिस्किट, और कुछ मिठाइयाँ हैं, तो आपको मैं मिठाइयाँ भी दिखाता हूँ। ये रहा गुलाब जामुन, और ये है लौंग लता। करो गाइस डाइट है, डाइट को ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, इसलिए खा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन देख के ही मन भर लूँगा। तो चलिए अब जिम का टाइम हो गया है, अब जिम जाते हैं। गाइस अब जिम कंप्लीट हो गया है, तो जिम हो गया, अब जाते हैं घर। चलिए तो गाइस ये रही मेरी फेवरेट भुजिया, बादाम और चना। तो गाइस इसे खाते हैं, और ये रही चटनी, ये तो ख़त्म हो। तो गाइज आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, एक तरह से बोले तो मेरा लॉटरी लग गया। आज मेरी बड़ी दीदी के तरफ से ये परफ्यूम मुझे पार्सल हुआ था, तो ये मुझे आज मिल गया। और ये शर्ट आप देख सकते हैं, ये मुझे मेरी मौसी के तरफ से मिला है। और मेरी जो दूसरी वाली दीदी आज घर आई, वो भी तरह तरह के टॉफ़ी और बिस्किट्स लाई है, तो यार आज तो एकदम मज़ा ही हो गया। तो गाइज इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं।
आप सभी से फिर मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो टिल देन बाय।